वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का वीडियो होने वाला है हीरो प्लेजर प्लैटिनम एडिशन के ऊपर। सो इस गाड़ी को हम आज पूरा कवर करेंगे, और उससे पहले मैं आप सभी को कुछ बात बताना चाहता हूँ, मतलब शेयर करना चाहता हूँ। तो बात ऐसी है कि मैं सोच रहा था कि व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली जाए, और व्लॉगिंग के साथ ही आपको जो है मैं बाइक्स का सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा, मतलब हम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो भी शेड्यूल मेरा रहेगा तो उसी के मुताबिक हम वीडियो बनाएंगे। और आपके क्या व्यूज़ है इस पर आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हियर इज़ द हीरो प्लेजर प्लैटिनम प्लस, और इस गाड़ी की कीमत है 61,950 रुपीज़, एंड दैट इज़ द एक्स शोरूम प्राइस। एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन इज ऑफ 110 cc। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द मीटर। यू विल गेट स्पीडोमीटर हियर, एंड यहाँ पे आपके किलोमीटर्स जितने ड्रीवन होंगे वो सब आएगा, और यहाँ पे आपको एक फ्यूल का इंडिकेशन आएगा कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है, और यहाँ पे एक इंडिकेटर आएगा फ्यूल का, जिससे कि आपका फ्यूल ख़त्म होता है तो आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी में फ्यूल ख़त्म हो गया है, इसका ये इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स के सिग्नल्स आएंगे, और यहाँ पे इंजन में अगर आपके कुछ मतलब सर्विसिंग वगैरह आ रही होगी तो उसका ये रहेगा, या फिर ऑयल ख़त्म हो गया है तो उसका इंडिकेटर ये करेगा, मतलब इंडिकेट करेगा आपको कि आपको गाड़ी में कुछ काम करवाना है। और इसी के साइड में आपको मिल जाता है ये साइड स्टैंड का एक इंडिकेटर, मतलब ये बताएगा आपको कि आपका साइड स्टैंड खुला है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, तो ये हमने साइड स्टैंड खोला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट जो है जल गया है, तो ये रेड लाइट काफ़ी आपकी मदद करेगा, ये सेफ्टी फीचर में आता है। तो लेट्स टर्न इट ऑफ, और ये बंद हो जाएगा, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम का लाइट इंडिकेटर होगा, और यहाँ पर जो है टर्न इंडिकेटर्स के मैं दिखा देता हूँ ऐसा, और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इंडिकेटर्स के, हॉर्न के और हाई बीम लो बीम के, और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, यहाँ पे आपकी लग जाएगी की, और बहुत साइड्स आपको पॉकेट मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छा फीचर मेरे ख्याल से लगता है, क्योंकि दोनों साइड में पॉकेट रहेगी तो आप वाटर बॉटल वगैरह कैरी कर सकोगे। सो काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी ईजी हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आप केबल यहाँ से लगा के आपका फ़ोन सीधा यहाँ पर रख दो, और ये आई डोंट नो किसका है, लेकिन इसमें कुछ लग सकता है शायद। एंड आपको क्रोम मिरर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे पूरी क्रोम की प्लेटिंग हो गई है कॉर्नर से, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे एक हेलोजन लैंप मिलता है आपको, जो कि एलईडीज़ में होना था आज के टाइम में, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे भी आपको सेम क्रोम मिरर्स मिल जाएंगे, और इसके बार एंड भी क्रोम्स के हैं। मैं आपको पहले क्रोम की चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या है। इसका लोगो भी जो है वो क्रोम में है, और यहाँ पर एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है जो कि बहुत अच्छा एनहांस करती है लुक को, और यहाँ पर एक क्रोम का दिया गया है सामने में, और यहाँ पे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप दी गई है, और यहाँ पे नाम भी क्रोम में लिखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लैटिनम एडिशन का यहाँ पे दिखाया गया है, और दिस वन इज़ आल्सो इन क्रोम, जो कि बहुत अच्छी फिनिश में है। और यहाँ पे पीछे में आपके पिलियन के लिए ये रेस्ट हो सकता है। और अब आते हैं नीचे में थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको IBS मिल जाता है, जो कि है इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम, और आपको सामने में अलॉयज़ मिल जाएंगे, पीछे में भी आपको अलॉय मिलेंगे सेम, और ऐसा कुछ है इसका ब्रेकिंग, और ऐसे कुछ शॉकअप्स है आपको यहाँ पे, ये रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो हम टायर साइज़ की बात करेंगे, तो आपको इसमें टायर साइज़ मिलेगा 90x110 mm 10 inches का, और सेम रेयर में भी वही टायर मिलेगा आपको, इसमें डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, इसमें आपको इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम मिलेगा, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये ब्राउन कलर में, चॉकलेट ब्राउन में इसकी पूरी फिनिश है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है। डिस्प्ले जो दिया गया है ये नॉर्मल डिस्प्ले, आपको इसमें डिजिटल मीटर नहीं मिलता है, ये नॉर्मल मीटर जो पहले आता था वैसा ही है, और इसमें आपको ब्लूटूथ का भी ऑप्शन शायद अवेलेबल नहीं होता है, तो ये एक अपग्रेड होना था हीरो की तरफ से। एंड
हियर इज ऑल्सो ऑन क्रोम, यहाँ पे आपको ये क्रोम की प्लेटिंग मिलेगी जो कि लुक एनहांसर का काम करती है गाड़ी में। एंड सेम यहाँ पे भी आपको प्लेजर प्लैटिनम एडिशन, और यहाँ का इसका रेयर लाइट भी LEDs में नहीं है जो कि एक डिसएडवांटेज है आजकल की गाड़ियों में, तो LEDs में आ रहा है। और यहाँ पे हेलोजन मिलता है आपको। एंड हियर इज द इंजन, और यहाँ पे फुट पेग्स मिल जाएंगे आपको पिलियन के लिए जो कि बहुत ईजीली एक्सेसिबल हो गए। एंड दिस इज़ इट फॉर द होल गाड़ी। सो ऑब्वियसली गाड़ी न्यू है इसलिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चल रही है, और सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे है गाड़ी के। एंड साउंड इतना नहीं है लेकिन मुझे थोड़ा सा वाइब्रेशन लग रहा है गाड़ी में चलाते हुए, और आई डोंट नो किस चीज़ का वाइब्रेशन है ये। तो बाकी द गाड़ी इज़ वेरी सॉफ्ट, चलने में बहुत अच्छी है, बहुत निम्बल है और लाइट वेट है, और हैंडल थोड़ा सा इसका बड़ा लगता है, मतलब ये पोर्शन जो है नीचे वाला वो थोड़ा सा नैरो है एंड दिस पोर्शन इज थोड़ा सा वाइड, सो काफ़ी अलग फील होता है। और हैंडलिंग में काफ़ी अच्छी गाड़ी है, आप अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हो, बहुत निम्बल है। एंड यार एक मीटर का जो था ना वो डिजिटल मीटर में हुआ रहता तो बहुत मज़ा आता इस गाड़ी में, और अगर इस फाइबर में कुछ लाइटिंग्स मिल जाती थी तो भाई बहुत अमेजिंग लगता था वो देखने में, एंड इट विल लुक गुड। दिस इज़ द छोटा सा अपडेट मेरे तरफ से, मैं चाहता हूँ कि हीरो करे और ये अच्छी लगेगी गाड़ी को, काफ़ी अच्छा लुक देगी और काफ़ी अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा राइडर को। सो या बहुत सॉफ्ट है इसका एक्सेलरेशन भी, मतलब थोड़ा सा खींचो और द मोपेड इज़ रेडी टू रन। एंड यहाँ से हम जाएंगे टर्न। बाकी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ गया होगा कि गाड़ी चलने में कैसी है, और आपको कैसी लगी गाड़ी ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और शेयर करें अपने व्यूज़। बाकी गाड़ी ये देख सकते हैं, भगाई मैंने थोड़ी, जैसे अच्छी है भागने में, कूल है गाड़ी एकदम, और अटेंशन सीकर भी हो सकती है ये, क्योंकि इसमें जो क्रोम्स की जो डिज़ाइंस बनाई गई है जियो की तरफ से वो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड कलर तो बहुत भारी है इस गाड़ी का, मतलब चॉकलेट ब्राउन एंड दिस इज द आई थिंक ब्लैक, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा चलने वाली गाड़ी है। एंड आई लव दिस मोटर, यू कैन गो फॉर इट गाइज, दिस इज़ द माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ द गुड व्हीकल, यू कैन गो फॉर इट, इट इज़ अ वर्थ फॉर प्राइस, इट इज़ सॉफ्ट, इट इज़ स्मूथ, इट इज़ फास्ट एंड इट इज़ निम्बल टू, सो आई लव दिस। सो होप यू गाइज इंजॉयड द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और मैंने जो ब्लॉगिंग की बात की थी स्टार्टिंग में तो आपका क्या सजेशन है उस पर वो ज़रूर शेयर करें, और मुझे ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं सो वो भी बताएं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।